अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो 5 से रिलेटेड था और क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड, तो वो आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि शो डैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड वाई, हमारे पास एक इक्वेशन है 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। मीन्स हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड वाई इज इक्वल टू 2at। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, जो कि हमारे पास किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखें, गिवन इक्वेशंस आर एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड वाई इज इक्वल टू 2at। यहाँ पे अगर हम इस पैराबोला वाली इक्वेशन को देखें, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, मीन्स वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, बट क्या चीज़ रिमूव की गई है, टी को। तो इसका मतलब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके किसको रिमूव करना है, टी को रिमूव करना है। मीन्स हम पहली इक्वेशन से क्या करेंगे, टी की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन में पुट। तो यहाँ पे देखें, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम ए को डिवाइड कर दें एक्स के नीचे, तो एक्स ओवर ए विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वेयर। यहाँ पे टी की वैल्यू हमें जस्ट फाइंड करनी है, तो दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट लेंगे। यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वेयर रूट, और यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, टी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ओवर ए। नेक्स्ट, यही हमने टी की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो वाई इज इक्वल टू 2at, हमने टी की वैल्यू क्या निकाली है, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ओवर ए। इस इक्वेशन में पुट की वाई इज इक्वल टू 2a एज इट इज़, टी की जगह पे क्या आएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ओवर ए। हमारे पास किस फॉर्म में इक्वेशन थी, वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ओवर ए, लेकिन हमने किस फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना है, पैराबोला की इक्वेशन, जो कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax है। मीन्स हमें क्या चीज़ चाहिए, वाई स्क्वेयर। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वेयर रूट। मीन्स अगर हम यहाँ पे स्क्वेयर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे होल इक्वेशन जो दी गई है, होल वैल्यू का स्क्वेयर, 2a स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ओवर ए का स्क्वेयर, 2a, यहाँ पे 2 का स्क्वेयर क्या आएगा, 4a का स्क्वेयर लेंगे तो ए स्क्वेयर, यहाँ पे जो है स्क्वेयर, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो जस्ट क्या बचेगा, एक्स ओवर ए। नेक्स्ट देखें, 1a इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1a यहाँ पे बचेगा, 4ax, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, वाई स्क्वेयर। और इसी फॉर्म में हमने क्या करना था, इक्वेशन को सॉल्व करके पैराबोला की इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था, और यही हमारे पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो देखें। सबसे पहले देखें, हमारे पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, टैन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड कोसेकेंट हाइपरबोलिक एंड सीकेंट एंड कॉटेक्स। तो सबसे पहले देखें, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यूज़ क्या होगी, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या होगी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। मीन्स दोनों वैल्यू सेम है, जस्ट यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, और साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स में क्या आता है, माइनस का साइन आता है। अगर यहाँ पे हमारे पास x यूज़ होगा तो e की पावर x, अगर हम कोई और वेरिएबल लेते हैं, मीन्स अगर हम y लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक का y इज इक्वल टू e की पावर y माइनस e की पावर माइनस का y डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारे पास यहाँ पे 2y आता है, तो इधर भी क्या आएगा, 2y, यहाँ पे भी 2y। तो यहाँ पे क्या है, आगे tan हाइपरबोलिक ऑफ x की वैल्यू, tan किसकी इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक ऑफ x। तो दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन की वैल्यू और नीचे हमारे पास क्या आ रही है, कॉस वाली वैल्यू। नेक्स्ट को सीकेंट क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है वो कन्वर्स हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x जो है वो हमारे पास क्या आएगी, नीचे।
सिमिलरली सिकेंड किसका कन्वर्स होगा कॉस का, तो टू हमारे पास टू डिवाइडेड बाई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। कॉट किसके इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई की पावर एक्स एंड माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मीन्स ऊपर कॉस की वैल्यू, नीचे किसकी आ रही है साइन, और टू जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के बाद जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट के फर्स्ट पार्ट में क्या है कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ टू एक्स विच इज इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। मीन्स दोनों साइड्स को हमने क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखें टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। मीन्स हमने इस इक्वेशन में क्या करना है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की जगह साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की जगह पे कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट साइन टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। कैसे, टू एंड टू तो हमारे पास कैंसिल, जस्ट क्या बचेगा एक ही टू आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। मीन्स दोनों वैल्यू सेम है, जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास नेगेटिव साइन। तो हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इनको सॉल्व करें तो e की पावर 2x एंड e की पावर क्या आएगा माइनस 2x। मीन्स इन दोनों को हमने क्या करना है, बेस सेम है तो पावर क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं। मीन्स e की पावर x एंड e की पावर x, इस तरह वैल्यू आ रही है तो e की पावर x प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू e की पावर 2x। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यू को भी इसी तरह सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर माइनस 2x। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने राइट साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखें ज़रा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x विच इज़ इक्वल टू, साइन हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। अगर यहाँ पे हमारे पास टू एक्स आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ई की पावर टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। मीन्स यहाँ पे जो भी वेरिएबल हमारे पास वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट आ रहा होता है हमने वही पावर लिखनी होती है। अगर यहाँ पे वन आ रही है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, वन। तो वन को लिखें या ना लिखें वो मर्जी होती है। इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे बिकॉज टू आ रहा था तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे। मीन्स ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। दोनों इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को अगर हम कंपेयर करेंगे, ये क्या है, ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये भी वैल्यू सेम थी। अगर एक साइड हमारे पास दोनों इक्वेशंस की सेम है तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो बाकी दूसरी साइड है वो भी क्या होगी, सेम। तो टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ टू, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद।